के पिता विवेकानंद मंडल जी और उनके साथ दो और लोग यहाँ आवरण अनशन पर बैठे हुए थे। और इस मुंगेर की असंवेदनशील पुलिस जो संवेदना विहीन है, आज तक अगर चौथे दिन उसके जिला में जिला मुख्यालय के कार्यालय पर अगर कोई चार दिन से आवरण अनशन पर बैठा है उसको किसी ने नहीं देखने का काम किया, इससे बड़ी संवेदनहीनता सरकार और सरकार के लोगों के बीच नहीं हो सकती। ये जांच का मुद्दा है, हम आए हैं इस मुद्दा को समर्थन देने और ये कहने कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा बिहार आपके साथ है। और एक नारा जो इस सरकार और डबल इंजन की सरकार ने जो दिया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या किसके लिए बेटी बचाने की बात है? हमें समझने में भूल हुआ है कि अगर बिहार की हमारी बहादुर बेटी स्नेहा थी, कांस्टेबल थी, सिपाही थी, बिहार पुलिस की जाबाज सिपाही थी, और उसके साथ अगर इतना घृणित कार्य हुआ और वहाँ का तत्कालीन एसपी, और हम तो मांग करेंगे कि मुंगेर का भी एसपी जो जो ज़बरदस्ती दूसरे के लाश को जलाने का काम करवाया है, इसे भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम इन जो घटनाओं में जो तीन चार चीज़ जो हुआ है और सरकार के लोग, प्रशासन के लोग पता नहीं किस दबाव में आखिर इतना बड़ा घृणित कार्य करने को बाध्य है, समझ में नहीं आता है कि जब किसी की बेटी आत्महत्या करती है उसके परिजन को बिना बुलाए उसके सामान के साथ छेड़छाड़ कैसे किया गया, उसके लाश को कैसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर, आप उसके परिजन अगर सिपाही थी, आपके परिजन के पास उसके आपके पास उसका नंबर था, सारा कुछ व्यवस्था था, आप क्यों नहीं उस परिवार को सूचना दिए? परिवार के जब पिता जब उसको बुलाए जाते हैं, दो दिन एक दिन बाद पिता को बुलाया जाता है, आपने पिता को कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है, उसके बाद आपने कहा कि स्नेहा ठीक हो गई है, आप चले जाइए भाग, आप मुंगेर चले जाइए, वहाँ चली गई, तो ये तमाम ये जो बातें हैं ये इशारा करती है कि इसका पोस्टमार्टम मुंगेर वहाँ क्यों नहीं हुआ, सिवान में क्यों नहीं हो पाया, किसने मना किया पोस्टमार्टम होने से? और तीसरा सवाल हमारा है कि क्या दो दिन के अंदर लाश इस तरह से सड़ और गल जाती है कि वो पहचानने लायक नहीं रहती? आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसके दांत टूटे हुए थे, उसके हाथ पर टैटू बना हुआ था, ये अचानक इस तरह की बातें कहाँ से आ गई? ये सब कुछ इशारा करता है कि वहाँ के तत्कालीन एसपी इस घटना में संलिप्त है, मुंगेर एसपी उस घटना में संलिप्त है। क्यों इतनी ज़बरदस्ती थी कि 15 आदमी को आपने गिरफ्तार करके कहा कि इस लाश को स्वीकार करो और जला दो, तुम्हारा लाश नहीं है हो लेकिन हम ज़बरदस्ती जलवा देंगे? तो ये जालियां वाला बाग बना रहे हैं लोग, ये जालियां वाला बाग बिहार को नहीं बना। मैं चेतावनी देता हूँ कि आज चौथा दिन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इनका आमरण अनशन तोड़वाने का काम करे प्रशासन, और नहीं तो बिहार को जलने से कोई नहीं बचा सकता। आप लोगों का मांग क्या है? अभी सबसे पहला एक मांग है और वो है इस घटना की सीबीआई जांच, इस घटना की सीबीआई जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उसे स्पीडी ट्रायल करके इस दोषी को फांसी की सजा। सरकार तो सीआईडी जांच करवा रही है। सर सीआईडी की जांच तो आपने देखा, आप ही ने छापा कि सीआईडी के जो प्रमुख हैं उन्होंने क्लीन चिट दे बिना जांच हुए कि वो इस तत्कालीन एसपी इसमें दोषी नहीं है। अरे बिना जांच के जब आप फैसला दे दे रहे हो, और सीआईडी की जांच तो एक दरोगा करता है, एसपी की जांच क्या दरोगा कर सकता है? क्या हमारा स्पष्ट कहना है कि एसपी की जांच दरोगा कैसे कर सकता है, उसका अंडर में रहता है, कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है? ये सब घोलमाल करने की तैयारी है। और मैं नीतीश कुमार सरकार को कहना चाहता हूँ कि समझिए, संभलिए, और बिहार की बेटी बचाने का जो आपने नारा दिया है, अपने और प्रशासन के लोगों को भेड़िया मत बनने दीजिए, जो भेड़िया बनकर के हमारी बेटियों को खाने का काम करे, ये भेड़ियों से बचाइए बिहार को, नहीं तो बिहार को आप जलने से नहीं रोक सकते।